कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने वाली है। कांवड़ियों की सुरक्षा के मद्देनजर यातायात पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव दिखाई दे रही है। पूरे इलाके की ड्रोन से निगरानी की जा रही है और निरीक्षण भी किया जा रहा है। कांवड़ियों की यात्रा सुगम हो, सरल हो, इसके लिए जिला प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस लगातार 3 रूट बनाई है। कालिंदी कुंज से नहर के पार से पलवल की तरफ जाने वाला रास्ता, दूसरा बदरपुर बॉर्डर से पलवल नेशनल हाईवे, तीसरा बदरपुर बॉर्डर से बड़गल चौक होते हुए सोना की तरफ रूट कांवड़ियों के लिए बनाया गया। ट्रैफिक पुलिस के एसीपी शैलेंद्र ने बताया कि इन सभी रास्तों का साफ सफाई और पैच वर्क का काम भी शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इन रास्तों पर लगने वाले शिविर के पास एम्बुलेंस की भी व्यवस्था करवाई जाएगी। हमने फरीदाबाद पुलिस, ट्रैफिक पुलिस ने 3 रूट सिलेक्ट किए हैं। एक कालिंदी कुंज से ले गया अपने नहर पार के साथ साथ, दूसरा अपना बदरपुर बॉर्डर से पलवल वाला हाईवे और तीसरा अपना बदरपुर बॉर्डर से बड़खल चौक होते हुए सोना की तरफ जाने वाला ट्रैफिक, ये डिसाइड किए हैं। के लिए हमारे सिविल प्रशासन से भी बात चल रही है और उनके लिए काम भी किया जा रहा है। जो कनाल रोड पे कनाल पार रोड है जो, उसको रिपेयर किया जा रहा है और वहाँ पर जो भी मीट की दुकानें हैं, गंदगी है, उनको सिविल डिपार्टमेंट की मदद से साफ करवाया जा रहा है। कांवड़ियों को यात्रा करने में कोई भी परेशानी ना हो, इसके लिए हर शिविर के पास 24 घंटे पुलिस के जवान भी तैनात होंगे। सभी रूटों पर जगह जगह होमगार्ड भी तैनात होंगे। फरीदाबाद से दीपक गौतम की रिपोर्ट, सूर्या समाचार।